गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स माई सेल्फ जनसर किशोर फ्रॉम नौकार इंस्टीट्यूट टूडे आई विल टीच इन स्टैंडर्ड ट्वेल्व सप्लीमेंट्री बुक विस्टास चैप्टर नंबर टू द नेम ऑफ द चैप्टर द टाइगर किंग इन लास्ट वीडियो आई हैव कम्प्लीटेड अप टू योर गिफ्ट्स नाउ लेट्स गो हैड तो यहाँ पर हमने यहाँ तक अभी पढ़ा कि जो मिनिस्टर और जो किंग ने फिफ्टी रिंग जो डायमंड एक्सपेंसिव जो रिंग थी वो दुरा ईसानी जो हाई रैंक ऑफिसर था उसको भेजा तो उसने क्या कर दिया उसने सोचा था, मिनिस्टर और ने एक दो रिंग रखेंगी और बाकी भेजेंगे लेकिन वहाँ से लेटर आया कि आपने जो गिफ्ट भेजी उसके लिए आपका शुक्रिया इन टू डेज अल इश ज्वेलर अभी टू डेज दो ही दिन में जो ब्रिटिश कंपनी थी ज्वेलर कंपनी उसने क्या किया बिल भेजा कितने का बिल भेजा थ्री लैख द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट थ्री लैख ऑफ रुपीज़ ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम लेकिन फिर भी महाराजा खुश हुआ क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैंने तीन लाख रुपये घुमाए लेकिन मैंने अपना किंगडम क्या किया बचा लिया तीन लाख देकर उसने अपना किंगडम बचा लिया वरना क्या उसको रिस्क था कि अगर ये जो ब्रिटिश ऑफिसर है उसको तो को मना किया था किसके लिए मना किया था वो किंग टाइगर हंटिंग के लिए तो अगर वो एंग्री हो जाता अगर वो आर्मी लेकर अटैक करता तो ये जो टाइगर किंग था उसका पूरा किंगडम चला जाता लेकिन ये जो टाइगर किंग था उसने आइडिया किया उसने क्या किया कोलकाता में एक जो बहुत ही फेमस ज्वेलरी कंपनी थी वहाँ पर लेटर लिखा और बोला कि आपके पास जो भी एक्सपेंसिव डायमंड रिंग है उसके सैंपल्स मुझे भेजिए उन्होंने फिफ्टी सैंपल भेजा अभी ये जो पूरे के पूरे सैंपल थे वो महाराज ने यानी ये टाइगर किंग ने किसको भेजा ये जो हाई रैंकड ब्रिटिश ऑफिसर था उसकी वाइफ को और बोला कि भाई आप क्या करो उसमें से आपको जो पसंद है वो ले लो यानी पसंद ऐसा कुछ बोले कि उन्होंने ऐसे सैंपल उन्होंने भेजा कि भी उसको लगा कि भाई शायद एक दो रिंग क्या करेंगे सिलेक्ट करेंगे और बाकी वापस भेज देगी लेकिन उसने तो क्या किया सब रख दिया और उसका बिल आया तो बिल कितना था थ्री लैख था थ्री लेख बहुत ही ज़्यादा अमाउंट थी लेकिन फिर भी किंग को खुशी हुई कि भाई मैंने तीन लाख में अपना पूरा किंगडम क्या किया बचा लिया यहाँ पर आपका जो थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट हुआ नाउ लेट्स स्टार्ट द पार्ट फोर द महाराजा टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल महाराजा ने अपना जो टाइगर हंटिंग का जो कार्यक्रम था प्रोग्राम था वो कंटिन्यू रखा ओके विद इन टेन ईयर्स दस साल में ही वॉज एबल टू किल सेवेंटी टाइगर्स दस साल में उसने कितने सेवेंटी टाइगर्स को मार दिया ओके okay? बीस साल का था दस साल और लग गए दैट मीन्स उसकी एज अभी कितनी हो गई थर्ट ईयर तो थर्टी ईयर तक तीस साल तक उसने कितने सेवेंटी टाइगर को मार दिया स्टार्ट किया था उसने बीस साल से ओके एंड देन एन अन फॉर फोर्सिन हर्डल्स ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल और उसका ये सामने एक बड़ा प्रॉब्लम आके क्रिएट हो गया अभी क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गया द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिभामपुरम जो प्रतिमापुरम था जहाँ जो फॉरेस्ट थे यानी उसका जो किंगडम था वहाँ पर जितने भी फॉरेस्ट थे वहाँ पर अभी टाइगर की पॉपुलेशन क्या हो गई खत्म हो गई यानी वहाँ पर एक भी टाइगर बचा नहीं जितने भी टाइगर थे वो सब किंग ने क्या कर दिया मार दिया यानी अभी उनके प्रतिमपुरम में जो फॉरेस्ट थे वहाँ पर एक भी टाइगर था नहीं वो नोस वेदर द टाइगर प्रैक्टिस द बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हरकेरी ओके तो हरकेरी का के मेगा होता है सुसाइड ओके तो वो सोचता है कि क्या पता क्या हो गया शायद टाइगर ने अपनी बर्थ कंट्रोल यानी जो पॉपुलेशन बढ़ाने में जैसे उन्होंने स्टॉप कर दिया या फिर यहाँ के जो टाइगर थे उन्होंने सब ने जैसे क्या कर दिया सुसाइड कर दिया और सिंपली रन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिज़ायर टू बी शूट बाय ब्रिटिश हैंड्स ऑल या ओके okay, क्या क्या सोचा कि पहले सोचा कि शायद ये जो टाइगर थे उन्होंने क्या क्या पॉपुलेशन कंट्रोल कर दिया यानी बर्थ कंट्रोल कर दिया दूसरा सोचा कि शायद उन लोगों ने क्या कर दिया सुसाइड कर दिया तीसरा क्या सोचा कि या तीसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ के जितने भी जो टाइगर्स थे वो स्टेट छोड़कर चले गए अभी स्टेट छोड़कर क्यों चले गए क्योंकि उनको सबकी ये इच्छा थी कि वो ब्रिटिश ऑफिसर के हाथ सूट हुए यानी ये जो महाराजा उनको शूट कर रहे थे जैसे अभी उनको उनके हाथ से मरना नहीं था जैसे उनको अभी क्या था कि ब्रिटिश ऑफिसर के हाथ से मरना था इसलिए यहाँ से क्या हो गए सब चले गए भाग गए तो ऐसा किंग ने सोचा वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान अभी एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलाया और कहा दीवान साहब आर एंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट थर्टी टाइगर स्टिल रिमेंड टू बी शूट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइंड ओके दीवान को बुलाया और दीवान को बताया कि भाई दीवान साहब आपको पता नहीं है कि मेरी ये जो गन है उसमें उसको अभी कितने थर्टी टाइगर को अभी भी मारना बाकी है यानी अभी तक मैंने सेवेंटी टाइगर को मारा मेरा टारगेट हंड्रेड का है तो थर्टी टाइगर्स अभी भी लेफ्ट है, मुझे उसको क्या करना है मारना है ही आस्कड ब्रेंसिंगली टू हिज गन ओके उसको गन दिखाते हुए ये किसको कहा दीवान को कहा कि भाई मेरा जो टारगेट था हंड्रेड टाइगर का लेकिन अभी तक मैंने ओनली कितने सेवेंटी टाइगर को मारा है यानी अभी भी मुझे थर्टी टाइगर को मारना बाकी है तो आपको ये पता है यानी इन वो जानना चाहता है कि भाई ये जो दीवान है क्योंकि उसका प्रॉब्लम था कि भाई उसके प्रतिबंपुर में जितने भी टाइगर थे वो मर गए थे उनका जो टारगेट था हंड्रेड का वो कंप्लीट तो करना है यानी इन शॉर्ट वो दीवान को बुलाकर डिस्कस करना चाहते थे कि अभी आगे क्या करें क्योंकि टारगेट तो अचीव करना ही है तो शायद दीवान कुछ रास्ता बताए या फिर उसके माइंड में यानी किंग के माइंड में जो कुछ है वो क्या करे दीवान को बताए तो दीवान इस तरह से फॉलोअप करे कि जिसकी वजह से उनका जो हंड्रेड का टारगेट है वो क्या हो जाए अचीव हो जाए तो गन को दिखाते हुए किंग ने दीवान को कहा कि आप जानते हो कि मेरा थर्टी का टारगेट अभी क्या है बाकी है ओके फ्रेंड्स तो आई होप आपको यहाँ तक पता चला होगा थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुल